What's up everybody and welcome back to another video. तो कुछ महीने पहले मेरा VR खेलने का बहुत मन हुआ था और उस टाइम मैंने एक एकदम सस्ते वाला VR हेडसेट मंगाया जिसमें मैंने फोन लगा के एकदम जुगाड़ के साथ VR में गेम्स खेला था और वो जुगाड़ एक्चुअली बहुत अच्छा काम भी किया था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर चला और आज मेरा फिर से VR खेलने का मन कर रहा है। अच्छा, पर गाइस आज मैं कोई भी जुगाड़ से VR नहीं खेलने वाला हूँ। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक्चुअल VR पे एक्चुअल VR गेम्स खेलूंगा। तो यार जल्दी चलते हैं Amazon पे और ऑर्डर करते हैं एक्चुअल सा VR हेडसेट। और गाइस ये चीज ना बहुत ज्यादा महंगी आती है तो मम्मी को मत बताना वरना मैं घर के बाहर जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं ये वाला VR हेडसेट खरीद रहा हूँ। ये है मेटा क्वेस्ट 2 एडवांस्ड ऑल इन वन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। हाँ मालूम है VR है तो थोड़ा एडवांस तो रहेगा ना, ऐसा अन एडवांस VR क्या होता है। तो ये डब्बे मेरे को VR मिलेगा, उसका कंट्रोलर भी मिलेगा और ऐसा वायर मिलेगा। नाइस वेरी नाइस। इसको जल्दी चल के एड टू कार्ट करते हैं और इसको चल के ऑर्डर करते हैं और ये जल्दी आ जाए तो यार VR खेलने मिलेगा। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ VR खेलने के लिए। भाई फाइनली अपना डब्बा आ गया। इसके लिए मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ा था क्योंकि ये जब भी डिलीवर होने वाला था उससे एक दो दिन बाद हुआ है, बट फाइनली अपना VR हेडसेट आ चुका है। भाई मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्चुअली एक VR हेडसेट कभी खरीदूंगा और आज मैंने खरीद लिया। और गाइस मम्मी को बताने का नहीं, कोई हेडसेट कितने का है? मैंने मम्मी को बताया ये VR 5000 का आता है, मैं उसमें गाली खाते खाते बचा। मम्मी को इसका एक्चुअल प्राइस मालूम पड़ गया, मैं घर से जाएंगा। फाइनली हमारा VR हेडसेट आ चुका है मेटा क्वेस्ट 2 और मैंने 256 GB मंगाया था क्योंकि मेरे को पता नहीं मैंने क्यों मंगाया, एक्चुअली क्यों मंगाया था क्योंकि 128 को आने में टाइम लग रहा था और मेरे में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अपना जो VR हेडसेट है वो फाइनली आ चुका है। ऑनेस्टली मैंने VR बहुत ज्यादा ट्राई किया है, मैंने गूगल का कार्डबोर्ड ट्राई किया है जो मेरा सबसे पहला VR था बहुत टाइम पहले। एक्चुअली वो गूगल का नहीं था, वो Amazon पे आता है सस्ते वाले कॉपी 100 रुपए के 50 रुपए के, मैंने वो ट्राई किया था। उसके बाद मैंने बहुत ही रिसेंटली एक VR हेडसेट मंगाया था, मैंने वो भी ट्राई किया था, पर आज हम लोग फाइनली असली वाला VR ट्राई करने वाले, रियल वाला असली वाला VR। और सच्ची बता रहा हूँ गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक VR हेडसेट खरीदने वाला हूँ, मैं एक VR हेडसेट यूज करने वाला हूँ, पर आज वो दिन आ चुका है जब मैं VR हेडसेट यूज करने वाला हूँ। राइट, तो ये VR हेडसेट में हमें मिलता है VR का गॉगल्स और 2 VR के वो हाथ में पकड़ने वाले कंट्रोलर्स और इसके पीछे क्या है, पीछे कुछ मस्त मस्त तस्वीरें बनी हुई है, पीछे भाई गेम्स लिखा है, भाई पीछे गेम्स दिखाया है। अब जब मैं VR के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि जो ये मेटा क्वेस्ट 2 है ये VR में VR गेम्स खेलने के लिए हमें PC की जरूरत नहीं है, हम बिना PC के डायरेक्टली VR खेल सकते हैं सिर्फ हेडसेट लगाकर। और मेरे को लग रहा है ये VR के अंदर ये सारे गेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। व्हाट, स्टार वॉर्स, क्लाइब 2, जुरासिक वर्ल्ड, बीट सेबर, पॉपुलेशन, ये 2 टट्टी है, पर भाई मैं जुरासिक पार्क में जाने वाला हूँ VR में। भाई मैं VR में जुरासिक पार्क में। कंटेंट नॉट इंक्लूडेड। अच्छा अच्छा, तो लिखा क्यों है कंटेंट हाथ में नहीं है तो टुकड़े लोग। गाइस तो जल्दी चल के इसका अनबॉक्सिंग करते, डब्बे को खोलते और अंदर से हेडसेट को निकाल के ट्राई करते। तो डब्बे को खोलने के लिए यहाँ पे ऐसा मस्त सा एक टैब दिया है। भाई ये टैब निकालते रहे मेरे को पूरी आईफोन की याद आ रही है। एक्चुअली पता है डब्बे को देख के मेरे को एप्पल का डब्बा लग रहा है, मतलब लिटरली आईफोन का मैकबुक के डब्बे बिल्कुल ऐसे ही होते ना, व्हाइट कलर में ऐसे मस्त यहाँ पे स्टोरेज लिखा होता है। पर एनीवे जल्दी चल के इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर ऐसा मस्त सा एक पुल टैब दिया है जिसको पकड़ के अगर अपन ऐसा कर पुल करेंगे। भाई इसको पन्नी खोलने का था, ये हाथ में आ गया। क्या करने का, अभी इसको ना अपन ऐसे फिर से चिपकाएंगे, ठीक है, ऐसा गम से नहीं ऐसे चिपकाएंगे और फिर खींचेंगे। ओ यस, इस बार काम कर गया। आई थिंक वो ऐसे ही है शायद से, एक बार उसको हगना है सेकंड टाइम में चलेगा। तो जल्दी से इसका प्लास्टिक निकालते हैं। अबे एक सेकंड, एक गोटिया इधर, एक हाथ से कैसा खोलेगा मैं, इधर हाँ ये कैमरा पकड़। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ अनबॉक्सिंग का कैमरा में दिखा, ठीक है अच्छे से, ओके गोटिया दिखना चाहिए अच्छे से, ओके ओके। सो ये अपन इसके प्लास्टिक को निकालेंगे, ये अपना प्लास्टिक बाहर आ गया और प्लास्टिक के अंदर वही डब्बा है, अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है। तो ये डब्बा थोड़ा सा मेरे को अलग लग रहा है, जो मैंने वीडियोस में देखा था थोड़ा अलग डब्बा है, क्या पता इसके अंदर से हेडसेट बाहर निकालते। यार डब्बे में ऐसा अंदर कार्डबोर्ड तो नहीं था, क्या था मेरे को नहीं पता। ओके इसको इधर से ऐसा बाहर निकालते हैं, तो ये कार्डबोर्ड बाहर आ गया, कार्डबोर्ड के अंदर भी निकाल
है मेटा क्वेस्ट 2। शिट, वो सफेद बक्से के अंदर ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड देख के मेरी एक सेकंड के लिए फट गई थी। मेरे को लगा अंदर कार्डबोर्ड में नकली दिया है, बट कार्डबोर्ड में मेटा क्वेस्ट 2 का लोगो है, तो भाई नहीं, असली है भाई, असली नकली माल नहीं है भाई। बहुत महंगा यार, इतनी महंगे चीजें भाई ऑनलाइन मंगाने में डर लगता है। ऑल राइट, तो अभी हम लोग डब्बे को खोलेंगे और डब्बे के अंदर से बाहर आने वाला है। अरे उल्टा खोला, ऐसा खोलने का है। एक सेकेंड गाइज, मैं लिटरली एक चीज तो भूल ही गया था तुम लोगों को बताना, कि हमारा जो ये वाला चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बस इतना सा करीब है। जिसका मतलब ये है कि अगर तुमने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बता तो कैसा, ऐसा कलर का, ऐसा अभी लाल तो नहीं रहा, आजकल काला हो गया है। तो तुमको जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको ऐसा उड़ाने का और ऐसा करके मारने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। और गाइस, अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, आज के वीडियो को लाइक को रखते 50,000 लाइक्स का। ओ यस, ये रहा हमारा मेटा क्वेस्ट 2। अंदर डस्ट क्यों है यार, ये रिटर्न वाला माल तो नहीं भेजा ना मेरे को, पर प्लास्टिक तो ऊपर से अच्छे से था तो रिटर्न तो नहीं हो सकता। एनीवे भाई, मस्त लग रहा है ये। दो डब्बे के अंदर है ये मेटा क्वेस्ट 2, ये रहा हमारा गॉगल्स, ये रहे हमारे दोनों हाथ के कंट्रोलर्स। तो पहले हाथ के कंट्रोलर को बाहर निकालते हैं। आई थिंक ये रस्सी क्यों जाएगा उठे, आई थिंक ये रस्सी अपने को ऐसे हाथ में बांधना पड़ेगा ताकि ये कंट्रोलर गिर ना जाए। तो ये रस्सी है, इसको हमें ऐसे पकड़ने का है और ऐसे पकड़ के हम लोग इसको ऐसे ऐसे घूम सकते हैं। यहाँ पे तो बटन भी दिया हुआ है और इधर एक बटन है और इधर एक बटन है। नाइस भाई, मस्त एकदम फुल परफेक्ट। और ये दोनों हाथों के लिए आता है तो अपन दोनों हाथों में इसको ऐसे यूज कर सकता है। वेरी नाइस, साइड में रखते इसको। अब निकालते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जा साइड में जा, मैंने उल्टा रखा क्या, हाँ रख दिया। ऑलराइट गाइस, अभी निकालते इस वीआर हेडसेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है द मेटा क्वेस्ट 2। अरे उसके पहले यहाँ पे डब्बा दिया है, डब्बे में क्या है, ये डब्बा देखते रहे एक बार, डब्बे के अंदर क्या है, डब्बे के अंदर मिठाई होना चाहिए। कुछ भी, तुमने इतना बड़ा वीआर हेडसेट मंगाया, ओ इसके अंदर क्या है, व्हाट भाई, ये कौन से देश का चार्जर भेज दिया भाई, ये कौन सा चार्जर है भाई, असली मेटा का तो है, मेटा ही लिखा है पावर एडाप्टर, ये कौन से देश का है, ये हमारे इसमें तो नहीं जाएगा, हमारे वाले ऐसे गोल गोल रहते हैं मस्त सुंदर, ये क्या डंडी वाले। अबे यार, अभी इसके लिए मेरे को वो कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। अबे यार, अभी कन्वर्टर मंगाओ बैठ के। एनीवे, ये एडाप्टर को साइड में डालते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पावर केबल दिया है, आई थिंक इससे अपने को चार्ज करना है। मेरे को लग रहा है इसमें सब कुछ चार्ज करना पड़ता है, आई थिंक अपने को इसको भी चार्ज करना पड़ता है क्या, कुछ चार्जिंग का दिया तो नहीं है बट चार्ज करना तो पड़ेगा, मेरे को पता नहीं इसको चार्ज करना पड़ता है क्या, सच में कुछ चार्जिंग का कहीं दिया नहीं है इसमें कुछ, साथ में ऐसे पुस्तक आई है तो अपने को पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, मेरे को मालूम नहीं कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है ये डंडी खींचने का, ऐसा करने का, मुंडी लगाने का और चालू करने का, मेरे को कुछ नहीं समझा, इसको भी साइड में डालते हैं। तो अभी गाइस निकालते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारा एक्चुअल वीआर हेडसेट। तो ये बाहर आ गया अपना वीआर हेडसेट, जो यार एक्चुअली भारी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना भारी होगा। मतलब मैंने अभी तक जितने भी वीआर हेडसेट यूज किए ना उनमें सब में ऐसा फोन डालना पड़ता है, ये मेरे लाइफ का पहला वीआर हेडसेट है जिसमें फोन नहीं डालना पड़ेगा। तो ये रहा वीआर हेडसेट, और ये क्या है, ये ऐसा साइकिल का चक्का दिया है, इसमें ऐसा हवा भरने का और फिर इसको साइकिल में लगा के चलाने का। साइकिल का चक्का नहीं है, मेरे को देख के तो लगा ऐसा इधर करके हवा भरने का फिर इसको साइकिल में लगाने का, वैसा तो ऑटो में लगा सकते हो, तुमको चाहिए तो नहीं है। नाच क्यों रहे कैमरा लेके पागल गोटिया, इधर देखते और क्या है इसके अंदर, ये क्या है, ओ यस ये है क्वेस्ट 2 सिलिकॉन कवर। ओके, क्वेस्ट का कवर है, इसको साइड में रखते हैं। भाई ये मैंने अगर घर में ऐसे रख दिया ना, मम्मी को लगेगा कुकर का जो रहता ना गोल वाला है वो मम्मी कुकर में लगा देगी इसको निकाल के, कुछ छुपा के रखना पड़ेगा, मम्मी के हाथ नहीं लगना चाहिए, कुकर में लग जाएगा वरना ये। ऑलराइट, इसके अंदर और क्या है, और ये रहा पूरा पट्टा। अच्छा, इसको ऐसा टकले में लगाने का, और ये इसके अंदर दो चश्मे हैं, मतलब ये तो ग्लासेस है इससे काम करता है। तो ये जो चश्मा है, ये चश्मे के अंदर दो थैली लगाईला है और थैली में लिखा है नो सनलाइट ऑन लेंसेज नो लिक्विड क्लीनर्स। ओके, तो अपन लिक्विड क्लीनर भी कुछ नहीं यूज कर सकता, तो साफ कैसे करने का मालूम नहीं। प्लास्टिक हटाते हैं, इधर से प्लास्टिक हटा दिया और दूसरे वाले से भी प्लास्टिक हटा दिया। देखो मेरा जो इंडियन दिमाग है वो कह रहा है कि प्लास्टिक नहीं हटाने का, प्लास्टिक को रख के वापरने का, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि वो देखना पड़ता है, प्लास्टिक नहीं हटाएगा तो दिखेगा नहीं। तो अभी अगर मैं इसको
गले में लगा लूं तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक इसको ऑन करना पड़ेगा। पर गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, ये इसको हम हमारे सॉकेट में नहीं डाल सकते। इसको चलाने के लिए मेरे को कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा अभी। ओके तो चार्जर को साइड में रखते हैं, चार्जर का देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। डब्बे के अंदर ये भी साथ में आया है, ये क्या है? ओ ये चश्मे का कवर है, ग्लासेस। अच्छा मतलब मैं चश्मा पहन के इसको यूज कर सकता हूँ, मैं नुबड़े की तरह चश्मा निकाल दिया था भाई। ये तो मस्त चीज है यार, ये तो सोच समझ के चीजें दी है, मतलब मैं चश्मे के साथ इसको यूज कर सकता हूँ। तो चलो गाइस मैं जल्दी चल के इनको सेटअप कर लेता हूँ और फिर वीआर को चालू करके वीआर एक्सपीरियंस करते हैं आज। और यार गाइस तो अभी हम लोग हमारे वीआर हेडसेट को चालू करने वाले हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एक ग्लासेस स्पेसर दिया है, पर मेरे को लगता नहीं जरूरत है उसकी, मेरे को चश्मे के बिना दिखता है ये, इतना पास है जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर मैंने इसको लगा लिया तो मेरे घर पे और कोई यूज नहीं कर पाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे ही चलाएंगे। सो लगाते हैं हेडसेट को सर पे और ऑन करते हैं। ओ भाई ऑन हो गया। ओके सो अभी ये बोल रहा है कि मेरे को वो दो ये चाहिए। गोटिया वो किधर है गोटिया? हाँ दे दे, हाँ ये थैंक यू। ओके ओके ये कौन से हाथ का है गोटिया? आई थिंक राइट का है। हाँ राइट का है। तो ये बोल रहा है इसको निकालो बाहर, तो अपन इसको बाहर कैसा निकल ही नहीं रहा है। ये तो दिखा रहा है एकदम स्मूथली बाहर निकलने का, अपना तो निकलने को तैयार नहीं है। अरे बाहर क्यों नहीं आ रहा है, निकल जा। ओ यस निकल। अरे भाई ऐसा कैसे निकला ये? ओके ये निकल गया। अभी अपने को रुको, पहला मैं दोनों का ये प्लास्टिक निकाल लेता हूँ। इसका भी प्लास्टिक निकालने का है। ऐसा कैसा प्लास्टिक डाला है रे जो निकलता ही नहीं है। ओके दोनों का प्लास्टिक निकल गया। अभी ये बता रहा है प्लास्टिक निकालने के। ओ भाई टट्टी दिख रहा है मेरे को कि ओ व्हाट द हेल भाई, ये मजा आ गया। ओके अभी बोल रहा है ये बटन दबा। ओके ये बटन दबाया अपन ने। अच्छा ऐसा दबाने का। ओके मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? अबे यार ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट मैं ये अभी सेटअप कर रहा हूँ वीआर का। ओके ओ सामने एक लड़की दिख रही मेरे को। ऑलराइट गाइस तो चलो जल्दी से इसको सर पे लगाते हैं और लगा के इसका सेटअप कर लेते। तो ओके ये कह रहा है अगर अपने को ठीक से नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते है। मेरे को पता नहीं मेरे आंखों का कितना गैप है, बट मैंने अभी जस्ट एक सेकंड एक चीज में रियलाइज किया कि ये देख इधर जो रखा है ना मेरे को, ये एक्चुअली वीआर में दिख रहा है कि यहाँ पर रखा हुआ है। तो अपन अभी ओ भाई क्या मस्त लग रहा है ये। मुझे पता है तुम लोग को नहीं दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, बट देन गाइस ट्रस्ट मी ये बहुत मस्त दिख रहा है। मेरे को लग रहा है सेटअप करने के बाद मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ कि ये बोल रहा है प्लीज स्टे सीटेड फॉर द सेटअप। तो अपने को बैठना पड़ेगा गोटिया, बैठना पड़ेगा अपने को। ओके बैठ के अपन ने कंटिन्यू कर लिया। तो एक काम करते गाइस ये सेटअप पहले कर लेते हैं फिर तुम लोग से मिलता हूँ, क्योंकि सेटअप में बहुत टाइम लगने को लग रहा है। और गाइस तो कल वीआर को सेटअप करते करते लेट हो गया, इसलिए हम लोग सोने चले गए वरना मम्मी बहुत मारती। तो कल वीआर को सेटअप करते करते मैंने रियलाइज किया कि अपना जो वीआर के साथ जो स्ट्रैप आता है वो यार ऐसा बहुत ज्यादा सर पे दुखता है। मतलब मैंने उसको सर पे लगा के कुछ बैरली 10 मिनट सेटअप किया होगा, मेरा ऑलरेडी सर दुख रहा था। तो मैंने ये वाला एक स्ट्रैप ऑर्डर कर लिया जो कि ऐसा मस्त सा अपने सर पे जाता है, ऐसे लगाओ ऐसे नीचे करो मस्त है। और इसको टाइट करने के लिए इसको घुमाना पड़ता है, इससे ये ऐसा 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 टाइट होता है। तो यार ये वाला स्ट्रैप बहुत मस्त है और अपन ने इसको लगा भी लिया है। तो आज अपन फाइनली अपन असली वाला वीआर खेलने वाले। यार इसको कितना सेटअप करना पड़ता है? मार्क को अपना फेसबुक लॉगिन चाहिए, इसको चलाने के लिए मेरे को फेसबुक लॉगिन करना पड़ा और फेसबुक का पासवर्ड ही भूल गया था। फेसबुक यूज ही कौन करता है? गाइस मेरे घर में वीआर के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये बस इतनू सा जगह है। ये इधर इधर मेरा चेयर है, इधर से लेके इतनू सा जगह, मतलब ये देखो ऐसा किया और ऐसा एक बार पैर रखा जगह खत्म। और इधर ये अमेज़न का डब्बा पड़ा, ये ऐसा कौन डब्बा रैपिंग करता है भाई? डब्बा कम टेप ज्यादा है, पूरे डब्बे पे टेप लगा दिया। तो मेरे घर पे लिटरली जगह नहीं है वीआर, तो ये डब्बे को ना ऐसा बिस्तर फेंक दे, तो थोड़ा सा और जगह बनेगा खेलने के लिए। और यार गाइस तो जल्दी वीआर हेडसेट को लगाते हैं और शुरू करते हैं। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वीआर खेलने के लिए। ऑलराइट तो जल्दी चल के वीआर हेडसेट को लगाते हैं, मेरे को चश्मा निकालना पड़ेगा। और यार मेरे बाल बहुत बढ़ गए और मैंने आज बाल पे शैम्पू कर लिया, तो ऐसा पूरा बाल पूरा फैला हुआ है, देख रहे हो हालत, देख रहे हो बाल का। तो ओके बाल को ऐसा ऊपर पकड़ के ऐसा वीआर लगाने का और ये डायरेक्ट नीचे और ओ नाइस लग गया भाई। मैं लिटरली कल से वीआर ट्राई कर रहा हूँ और मैं जितने भी बार वीआर को ट्राई करूं मेरे को उतने बार मजा आता है, मेरे को उतने बार मजा आता है। और किधर है तुम लोग? गोटिया किधर है तू? गोटिया इधर है। हेलो गाइस सॉरी
यार लाजो मेरे को समझता नहीं तुम लोग किधर हो, मेरे को अभी लग रहा है तुम लोग किधर हो, किधर इधर ही हो ना। हेलो 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 एवरीबॉडी, यस सब्सक्राइब टू द रॉकनी द गेम, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को गाइस, जल्दी अपने को 10 मिलियन पहुंचने का है, सब्सक्राइब करो। और गोटिया रिकॉर्ड अच्छे से करने का, गंदा रिकॉर्डिंग किया ना गोटिया तेरे को बहुत मारूंगा मैं, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा तेरे को आज। ओके तो अपना कंट्रोलर किधर है? ओ नाइस थिंग, वीआर के अंदर अपने को दिखता है कि अपना कंट्रोलर किधर है। यस कंट्रोलर डायरेक्टली मेरे को मिल गया, मतलब मेरे को गोटिया दिखे ना दिखे मेरे को पता नहीं गोटिया किधर है, आई थिंक गोटिया इधर ही है, मेरे को गोटिया दिखे ना दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को कंट्रोलर किधर है वो दिखता है। तो ओके जल्दी चल के कंट्रोलर के ये हाथ में ऐसे लगा लेते हैं, गोटिया अच्छे से रिकॉर्डिंग करा, एकदम अच्छे से रिकॉर्डिंग करने का। ए गोटिया इधर है ना, सामने करना, इधर से करना रिकॉर्डिंग, इधर भी खड़ा है। हाँ अच्छा आ गया, ओ वेरी गुड गोटिया, वेरी गुड, वेरी नाइस गोटिया। ओके ये लगा लेंगे, मस्त है। ओके ऑलराइट गाइस, तो हम लोग वीआर के अंदर आ चुके हैं, और भाई ये क्या है, वहां पे मेरे को चांद दिख रहा है, उधर सोफा है, उधर झूला है, मैं जा सकता हूँ झूले में? ओ शिट मैं भूल गया था मेरा घर छोटा है, मैं झूले तक नहीं जा सकता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। उधर एक और सोफा है, अरे उधर आईना लग रहा है, ये गोटिया ये देख, ये गोटिया उधर, मैं डांस कर सकता हूँ ऐसा ऐसा, उधर उधर दिख रहा है आईना में, मैं दिख रहा है। हेलो क्या तुम सब्सक्राइब करती? अरे ये क्या है? अच्छा मैं कपड़े खरीद सकता हूँ भाई, यहाँ पे लोग साड़ी बेच रहे हैं, ये क्या है भाई? ये देखो ये तो भाई मस्त मस्त कपड़े बेच रहे हैं, और सारे अच्छा बेच रहे, सारे फ्री में कपड़े, अपन कपड़े खरीद सकते हैं। ये क्या है? मैं ये पहनेगा भाई, मैं ये पहन रहा हूँ, क्या लग रहा है ये कपड़े, दिखा कपड़े, मेरा कपड़ा नहीं दिख रहा, कपड़ा दिखा, हेलो मेरा कपड़ा दिखा, मोटा कपड़ा नहीं दिखा रहा मेरा, मोटा तो है किधर, किधर है वो कपड़ा? आ गया मेरा, ये देख मोटा, ये देख तेरे को दिख रहा है, ये उठ नहीं रहा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं वीआर के अंदर ब्राउजर के अंदर जाके मैं सर्च कर सकता हूँ, मैं सर्च कर सकता हूँ, किधर है? यस मैं रोनी गेम्स वीआर के अंदर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये देख रहा, ये बटन को जाके दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने को 10 मिलियन पहुंचने का, हम लोग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, 6 मिलियन चाहिए बस, ज्यादा नहीं चाहिए, 6 मिलियन के आसपास चाहिए, तो जल्दी से बटन को दबाओ, ये वाला बटन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम लोग यहाँ वीडियो देख सकते हैं। हाँ यस एड दिखा रहा है। ओके हो गया, तो वीआर के अंदर यहाँ पर एक चीज है जो कहा जाता है फर्स्ट स्टेप्स फॉर ऑक्यूलस 2, और ये जो गेम है ये बेसिकली हमको सिखाएगा कि वीआर काम कैसे करता है, वीआर चलता कैसे, वीआर के अंदर कैसे चीजें करनी होती है। तो जल्दी इसको लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि ये क्या सिखाता है अपने को। गोटिया मैं मस्त दिख रहा है ना? गोटिया जवाब ही नहीं दे रहा है। ओके वीआर चालू हो गया, समंदर के पास आ गया, वहां पे ऑक्यूलस का लोगो है। अभी क्या हो रहा है? Here with the Guardian system. Look around you. This grid wall is the Guardian system. भाई मेरे सामने एक टेबल है। This grid shows the boundaries of your play area. Don't move or reach beyond it. क्या मैं कंट्रोलर रख सकता हूँ? Oh shit, sorry. It's time to learn about your Oculus touch controllers. Sorry. कंट्रोलर अभी हाथ पर चले जाता। Try pressing all of the glowing buttons with your thumbs. Pressing all the buttons. Oh! ये रहे मेरे fist. VR वाले हाथ. With your middle finger. And hold it down. To point, keep squeezing the grip. Now use your index finger to push the button in front of you. Oh, button to bane ka hai. To pick up an object. Main pat. Oh, ek se ye. Mere sir mein dab pe aa gaye bahut sare. One of these blocks. Main dab pe kaise utha sakta hu? Aur gir gaya. Your virtual. Kya main dab pe catch pakad sakta hu utha ke aisa? Go ahead. Play with some of these. Oh, ek se ye kya hai? Bhai table tennis ka bat bol gaya ye dekh. टेबल टेनिस खेल सकते हैं ऐसा? वो एक और आ गया। ओके आ जाओ टेबल टेनिस खेलते।
अरे किधर जा रहा है टेबल टेनिस का बॉल? ओके गाइस ये देखो, बेस्ट टेबल टेनिस गेम प्ले एवर। क्या इधर? सॉरी कबड्ड इधर, सॉरी सॉरी, वो थोड़ा ज्यादा टेबल टेनिस खेल लिया, मेरे को पता नहीं तुम लोग किधर। वोटा किधर है तू? अरे शेरू क्यों भौंक रहा है उधर से? वोटा तू किधर है? इधर है तू? यही है गोटे? अगर तू इधर चुटकी बजा। ओके यस गोटे इधर ही है। ओके गोटे ये देख टेबल टेनिस गेम प्ले, ये देख टेबल टेनिस, ये देख ऐसा उड़ाने का, ऐसा मार। ओ क्या खेल रहा है टेबल टेनिस? ओके यहां पे और क्या है? यहां पे एरोप्लेन है। मैं प्लेन, ओ प्लेन उड़ गया। लुक्स लाइक यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट। हियर्स अ फ्यू मोर टू। शेरू पता नहीं क्यों भौंक रहा है, प्लेन उड़ा रहा। तो ये क्या है? ओ ये रॉकेट है, इसको मैं ऐसा खींच और इसको अपन पंचिंग कर सकते हैं। अबे ये क्या हो रहा है अभी? ये किधर लेट? वो प्रेस टू सिलेक्ट गन, बट अपन इस गेम में गन चला सकते हैं। व्हाट? ओह हो हो, भाई ये तो वीआर का फन है। शिट एक सेकेंड, ये दबा तो दो गन में एक साथ चला सकता हूं। तीसरा बटन क्या करता है? दोनों गन फेंक देते। तीसरा बटन क्या होता है? ये तो बड़ा वाला गन है, ग्रैब द सेट। अबे ये तो असॉल्ट राइफल मिल गया भाई, ऑटोमेटिक चलती है। इधर आ भाई, ऐसा लग रहा है मशीन गन लेकर आओ भाई, टाइगर जिंदा है। अरे एम भी लगता है थोड़ा एम का तकलीफ है गाइस हमारा। मैं अपने आप को गोली मार सकता हूँ क्या? नहीं। ओ ये क्या? ये ओ नाइस। अबे यार ये वाला मस्त चीज है भाई, वीआर का यही तो मजा है। मेरे को वीआर में कब से शूटिंग गेम खेलने का था, मैंने लिटरली वीआर लिया शूटिंग गेम्स खेलने के लिए। किधर है? नाइस, मजा आ गया। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं पैवलोव वीआर के अंदर, जो कि एक वीआर गेम है। और भाई कितना रियलिस्टिक है, मतलब ऐसा। ओए कौन कौन बोल रहा है उधर, रुक जा दो मिनट। ओके तो अभी हमने क्या किया है, हमने स्टीम वीआर कनेक्ट कर लिया है, मतलब ये वाला तार अभी लगा रहेगा। गोटिया तो किधर है? गोटिया इधर। ओदे गोटिया, तेरे छोटे-छोटे दोस्त, छोटे-छोटे गोटिया। ओके गाइस, तो पैवलोव वीआर जो गेम है, ये एक शूटिंग वाला गेम है, तो इस गेम में हम लोग को शूटिंग करने मिलेगा। और यार मैं वीआर में बस शूटिंग करने के लिए एक्साइटेड हूँ, मेरे को लिटरली वीआर में से शूटिंग करना है। तो ऑलराइट एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं लर्न द बेसिक मैकेनिक्स एंड कंट्रोल्स। तो शुरू करते हैं बेसिक मैकेनिक्स एंड कंट्रोल्स। ओके भाई मेरा बॉडी। Welcome to the Pavlov tutorial. कौन बोला? To use the radio, place your hand near your ear and hold the trigger. Radio. Hello. To sprint. Hello. आवाज आ रहा है? Hello. कूतरा साला देख के नंबर डाल कर। ये खूब साले। रुको क्या, स्प्रिंट करने के लिए क्या करने का? Press the thumbstick button. भाई। ये बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है मेरे को। रुको, ये ऐसा भाग रहा मेरे को। मेरे को लग रहा है मैं खुद आगे जा रहा हूँ। ओ भाई मैंने वो सस्ता वाला जो वीआर में ट्राई किया था, उससे ये बहुत बेटर है भाई, उसमें तो कुछ नहीं था ये सब। अच्छा वो कुछ बता रहा है, बाय मेनू कैसा बाय करने का? प्रेस द थंबस्टिक टू ओपन द बाय मेनू। ओके ओ भाई ये तो वैलोरेंट की तरह है, हम लोग ऐसा चीज होल्ड वाई एंड ट्रिगर। भाई कौन सा वाला है?
ओके ये मेनू है। अबे ये गेम पूरा CS:GO की तरह है क्या? ऑलराइट गाइस ट्यूटोरियल व्यूटोरियल बच्चे करते हैं, अपन डायरेक्ट शूटिंग रेंज पे आएंगे। ओ भाई अबे इतने सारे गन्स है। अबे मैं गन फेंक दिया नीचे, सॉरी। उठा लिया। तो अपन लोग यहां पे डायरेक्टली गन को शूट। व्हाट? ओ अबे स्कोप के थ्रू देख भी सकते हैं भाई। मेरे को शूटिंग रेंज जाना है। ये रहा शूटिंग रेंज। चालू करो। इसको चालू कैसे करते है? क्या मैं ग्रेनेड फेंक सकता हूँ? अरे रुको, गन रखो पहले भाई। ग्रेनेड नहीं उठा, उठा लिया। ओके तो अपन ग्रेनेड ऐसा उठाने का और पिन खींचने का और पिन देने का। Nice. ग्रेनेड फटता है पर ये कैसे यूज करते मेरे को नहीं पता। ओ अबे कितना दूर चला गया और मेरे पास स्कोप भी लगा हुआ है। अबे यार ये क्या बस चीज है? What? मेरे को और भी गन्स ट्राई कर दे भाई। यहाँ पे कितने सारे गन्स है, देखो सारे गन्स रखे हुए यहाँ पर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पिस्टल है जो अपन जिसको कैसे करने का ऐसे। ओके पिस्टल का अपन और भाई ऐसे रिलोड क्या कहा है? गोली कहा है यार? मेरे पास लेके पॉकेट ऐसे मेरे को ऐसा क्लियर दिख नहीं रहा है। और अपन गन फेंक भी सकता है। यहाँ पे कितने सारे गन रखे हुए भाई। यहाँ पर रिवॉल्वर रखा हुआ है। ओ रिकॉइल दे दो भाई इसकी। शिट यार। और क्या आप लोग इसको निकाल सकते हैं? ओ अपन ने सारे गोलियां खाली कर दिए। अभी गोली नहीं मेरे पास तो इसको फेंक देंगे। और कौन सा गन है? अबे यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पर ये फ्लैश बैंग है तो इसको अगर फेंकूं तो क्या आएगा? ओह ऑफ कोर्स फ्लैश बैंग से और क्या होगा। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था भाई। यहाँ पर ये टेक स्कोप है। यहाँ पे ये टेक स्कोप है। गाइस मैं आज इस गेम के अंदर सच्ची एड़ा होने वाला बता रहा हूं मैं। तो खुलते कैसे? ओ ऐसे। ओ पर और गोली है नहीं डालने को। कहां से गोली कहां से निकालने का? नहीं गोली नहीं और इसको फेंक देंगे। ये क्या है? ये डंडा नहीं, किसी को मार सकता हूं क्या मैं? डंडा नहीं ले सकते हम लोग। यहाँ पे और भी गन्स है भाई। यहाँ पर ग्लॉक है भाई। और क्या चाहिए ये गेम से? सब कुछ है इस गेम के अंदर। ये क्या है? स्मोक ग्रेनेड। स्मोक ग्रेनेड को मैं यहाँ नहीं फेंकूंगा, इसको मैं उधर फेंकूंगा। ओह नाइस भाई। यहाँ पर क्या क्या गन्स है? यहाँ पे ये सारे शॉर्ट गन्स है ना, इसको पकड़ के। ओ भाई और इन गन्स में एक्चुअली रिकॉइल है पर मुझे पता नहीं इनको रीलोड कैसे करते हैं, मेरे को वो आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे गन्स हैं। यहाँ पर लिटरली M249 है। ओ भाई ओके सॉरी, इधर नहीं मारने का था, इसको फेंक देंगे। तो उधर रहे नीचे। और कौन से गन्स है अपने पास? यहाँ पर P90 है और इसको अपन रिलोड कर लिए ऐसे। भाई इन गन्स में रिकॉइल है भाई। इन गन्स भाई ये तो बहुत भारी वाला गन है। मुझे ये गन चलाना है। भाई यार ये। और तुम्हें पता है, तुम लोगों को गोटा किधर है? तू गोटा इधर है इधर है इधर ही है ना। अगर इधर है तो दो बार बजा हाँ बोलने के लिए। ओके गाइस तुम लोगों को ना एक्चुअली सिर्फ एक स्क्रीन पर दिख रहा है तो तुम लोगों को नॉर्मल लग रहा है, पर मेरे लिए भाई मेरा दिमाग घूम रहा है यहाँ पे। एक तो मैं पूरे रियल वर्ल्ड के अंदर हूँ, मैं गन्स के साथ हाथ से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी गेम के अंदर ये फीचर नहीं है। ओ ये भाई ये तो UMP है और इसका एक्चुअल रिकॉइल है। इसको मुझे कंट्रोल करने के लिए सामने से गन को ऐसे नीचे करना पड़ता है। ओके गाइस अभी आते हैं मेन असॉल्ट राइफल्स पे। और यहाँ पे स्नाइपर्स भी है और वहां पे एटेक स्कोप रखा है भाई। गन है ऐसा कैसा गन है भाई? अपन अभी निकालने वाले हैं सीधा M4। और भाई M4 क्या मस्त लग रहा है गन। रुको, यहाँ पे अटैचमेंट है, मतलब मैं M4 में अटैचमेंट लगा सकता हूँ। मेरे को चाहिए M4 में थोड़ा सप्रेसर हो तो मैं। नहीं ये सप्रेसर नहीं लगेगा। ये लगेगा क्या बड़ा वाला? क्या है M4 में सप्रेसर नहीं लगता है क्या? भाई लगता तो है यार, PUBG में बहुत बार लगाया हमने सप्रेसर M4 में। इनके M4 में नहीं लगता सप्रेसर। तो कोई बात नहीं, इनके M4 में अपन 4x स्कोप लगा लेंगे। 4x स्कोप तो जाएगा ना, 4x स्कोप भी नहीं जा रहे। ओ अच्छा ऐसे लगाते हैं। ओके
आई थिंक मैं ये भी लगा पाऊंगा, नहीं ये नहीं लगता है। 4x स्कोप लगा लिया M4 पे, ओके तो M4 पे अपन एक स्टॉक भी लगा लेंगे, और ये अपन एक स्टॉक लगा लिया M4 के ऊपर, और क्या है और क्या है और क्या लगा लेगो, आई थिंक बस इतना ही है। एक स्टॉक, ये क्या है, ये क्या है, ये भी लगाएंगे, किधर लगता है ये, वो ये ऐसा लगता है, ओके नाइस, अपन ने M4 में पूरा स्टॉक भी सब कुछ लगा लिया। अभी चल के गाइस M4 पे ट्राई करते हैं, ये अपना अभी 4x स्कोप वाला M4 बन चुका है। ओ भाई मैं एक्चुअली स्कोप के थ्रू देखकर मार सकता हूँ, भाई ये कितना रियलिस्टिक है बे। और गाइस अभी टाइम आ चुका है स्नाइपर राइफल्स का, मतलब अगर मैं अभी स्नाइपर राइफल लू तो कौन सा स्नाइपर राइफल लू बताओ, बताओ मैं कौन सा स्नाइपर राइफल लू, मेरे को ये स्नाइपर राइफल देख के थोड़ा थोड़ा आम वाली याद दिला रहा है, तो मैं इसको ले, क्योंकि ये मेरे को इस पे स्कोप लग के आते हैं पहले से, इस पे पहले से स्कोप, और अपन स्कोप को घुमा सकते हैं क्या, आई थिंक नहीं घुमा सकते, थोड़ा ज्यादा लाग जाएगा। तो अगर अभी मैं स्कोप को लेकर ऐसा आऊ, ये मस्त है बे, ये मस्त है। मेरा भी ट्रेनिंग हो चुका है, मेरे को अभी ये चीज एक एक्चुअल गेम के अंदर ट्राई करना है। हंट करते हैं, आ जाओ लेट्स स्टार्ट द हंट। भाई अभी एक्चुअली अपन हाथ से गन चलाएंगे और हंटिंग करेंगे, ओके बाई जोन, ओके ये बाई जोन है, बाई करने के लिए बोला था कि ये दबाने का, ओके तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक हेवी गन लेते ना, अपने पास 5000 है, 5000 में क्या आएगा, तो हम लोग आई थिंक सो हम लोग एक ले सकते हैं, या ठीक है एक लेते ना, एक अच्छा लग रहा है, ओके तो हमने एक खरीद लिया, अपने वो गियर भी खरीदने का है, हम एक आर्मर और हेलमेट ले लेंगे, पूरा CS:GO है गाइस, पूरा CS:GO, तो अपन ने एक आर्मर हेलमेट ले लिया, अभी अपन गन को रख सकते हैं क्या किधर, नहीं रख सकते क्या, चाकू भी है, अबे चाकू चला गया मेरा, मेरे को वापस आएगा, मेरा पिस्तल पता नहीं किधर गया और मेरा चाकू भी चला गया, तो मेरे को शायद से एक का थोड़ा गोली खरीदना पड़ेगा, आई थिंक सो, गियर में गोली आता है क्या, नहीं आता है गोली गियर में, अपग्रेड में अपन इसपे, ओ अपन ने एक में सप्रेसर लगा लिया, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही खेलेंगे, ओके लीव रिंग टू स्टार्ट। ओ शिट कहां है लोग, रुको रे यार चश्मा ठीक करने दो यार, अभी लग रहा है थोड़ा पिस्टल लेके, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, दिखा बंदा, अरे मरेगा तो आज के दिन में, ओ शिट, ओ नहीं मर गया, पर मजा आया अभी एक्चुअली, एक काम करते हैं इस बार ना पिस्टल लेके खेलते हैं, इस बार पिस्टल लेके ट्राई करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। अबे गोली लगता ही नहीं है, ओके लेट्स स्टार्ट, मेरे को ऐसा एक सेफ जगह पकड़ने का है। अबे यार ये लोग ये गन लेके आते हैं, रुको इस बार मैं भी अच्छा गन लेगा, आई थिंक मेरे को ज़ॉम्बीज ही मारनी चाहिए थे, एक काम करते ना SMG लेते, कौन सा SMG लेंगे, अरे वेक्टर लेते हैं, वेक्टर मस्त SMG है, इस पे स्कोप डाल के काई को दिया मेरे को, चलो कोई बात नहीं स्कोप से बंदे मारेंगे, इधर है बंदे लोग, आई थिंक इधर से कोई ना तो पक्का आएगा, मेरे को साउंड पीछे से आ रहा है, ओ शिट दिखा, अबे यार इसका क्या, अबे यार रुक जा 2 सेकंड, मेरे को अभी समझ रहा है गाइस, रुको मेरे को ना स्कोप वाला गन लेना, मेरे को कोई भी गन इस घर में स्कोप लगाओ, तो बाई करते हैं राइफल ही लेते हैं, एक ऐसा राइफल जिसमें स्कोप लगाओ, यस ये वाला, ओके नाइस स्कोप लगा हुआ है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट। मेरे को साउंड तो हर जगह से आ रहे हैं, क्या वो पीछे, ओ तू कहां जा रहा है, भागो मेरा गोली खत्म हो गया, कहां से मार रही है, मेरे गन में गोली नहीं है, रीलोड कैसे करते हैं इस गन को, अरे गन गिर गया हाथ से, मेरे को लग रहा है ज़ॉम्बीज ही मारना चाहिए था गाइस, चलो जाके ज़ॉम्बीज मारते एक बार, एटलीस्ट ज़ॉम्बीज सामने से गोली तो नहीं मारेंगे, भाई ओ भाई ये कौन सा डरावने जगह पे लेके आ गए मुझे ज़ॉम्बीज मारने, हमने से पिस्टल ही दिया, व्हाट गाइस मैं अभी रियलाइज कर रहा हूं कि ऐसे यूजुअल, ओ भाई ये क्या हो रहा है, मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि गेम के अंदर एम करना बहुत आसान है, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, अरे भाई ये आराम से आ रहे हैं, आराम से धीरे धीरे आने का, अरे पुल पुल कर दो, कर का वो ये पुल 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 इधर आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा
अभी पड़ा, भागो 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 मैं किधर, मेरे पास गन नहीं है, गोली नहीं है, क्या करूं मैं, गोल गोल घूमेंगे, आजा आजा गोल गोल घूमेंगे, अरे 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 पीछे नहीं देखने का, भागो भागो भागो, अपन गोल गोल घूमेंगे हॉस्पिटल के, भागो, मेरे पास गन नहीं है, गन में गोली नहीं है, पॉकेट में कुछ है क्या, चाकू तो मैं किधर, तू मार दिया, अरे ज़ॉम्बीज़ क्या फास्ट आते हैं बे, कितना फास्ट भाग भाग के ज़ॉम्बीज़ आते हैं ये लोग, गन ही गिर गया, अबे यार गन तो है पर गन की गोलियां क्यों नहीं है अपने पास, गन के साथ में गोली भी होना चाहिए था ना, ओए आना चालू हो गए ज़ॉम्बीज़, अरे एक जगह से आओ ना रे, जब गोल गोल सब जगह से कहीं क्या हलवा है क्या इधर, मार लो सब मिलके मार लो, पर मजा आ गया एक्चुअली, ओ भाई गुड्डा एक्चुअली मजा, अच्छा गुड्डा तो इधर है, मेरे को लगा उधर है, पर एक्चुअली भाई खेल के मजा आ गया इसमें, ओ गाइस मैं जस्ट रियलाइज किया कि वीडियो में एंड करना भूल गया था, तो एनीवे गाइस अगर वीडियो देखे तुमको मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।